हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको यामाहा R15 में बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा जो बाइक का बैटरी है वो डिस्चार्ज हुआ पड़ा है। तो इस बीच मैंने जो भी प्रॉब्लम फेस किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ ही साथ मतलब काफ़ी सारे लोगों को बैटरी को रिमूव करने में और खुद से चार्ज करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे आप खुद से बैटरी को रिमूव करके और खुद से ही कैसे चार्ज करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ। जो मैंने पिछले बार टेम्परेचर मीटर बाइक में इंस्टॉल करके आपको दिखाया था, तो उसका जो प्रोब था उसको मैंने पैनल के अंदर इंस्टॉल किया था, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि जो उसका टेम्परेचर था वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो इंजन का गर्म हवा था उसके कारण ये ऐसा हो रहा था। तो मैंने उसको हटा के फिर यहाँ पे लगा दिया। तो आप लोग भी अगर कभी अगर इसको इंस्टॉल कीजिएगा तो इसका जो प्रोब है उसको हमेशा ही खुले जगह पे इंस्टॉल करना है। तो मैं अब टॉपिक पे आ जाता हूँ। इस बाइक में 5 तरह के इंडिकेटर दिए गए हैं, तो सबसे पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। पहला जो आप देख रहे हैं इंडिकेटर वो न्यूट्रल का है, दूसरा टर्न लाइट इंडिकेटर का, तीसरा हाई बीम, और चौथा जो है वो इंजन ट्रबल वार्निंग लाइट के लिए है जो कि येलो कलर का जलता है, और पांचवा जो है सबसे आखिरी है जो रेड कलर का आपका जलेगा वो है कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग लाइट। तो इस तीनों पहला जो तीन था उसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, और बाकी जो दो है उसमें बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअली वो होता किस चीज़ के लिए। तो आज के वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले येलो वाले की बात करते हैं। तो येलो वाली जो इंडिकेटर है वो अगर आपके इंजन से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं उसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो येलो लाइट ऑन हो जाएगा। और जो रेड वाला जो इंडिकेटर है वो होता है कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग लाइट। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही आपका इंजन ओवरहीट होने लगेगा तो रेडिएटर जो है ऑटोमेटिक आपका ऑन हो जाएगा। रेडिएटर में अगर कहीं भी प्रॉब्लम हुआ, या तो उसका फैन में अगर प्रॉब्लम हुआ, या तो कूलेंट लेवल आपका कम है, तो ये जो रेड कलर का जो इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा। अब दूसरा जो है येलो वाला इंडिकेटर जो कि है इंजन ट्रेवल वार्निंग लाइट इंडिकेटर, उसके बहुत सारे कारण हैं ऑन होने के। कल सर्किट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसके वजह से भी ये जो येलो कलर का इंडिकेटर है वो ऑन हो जाता है। तो आज के वीडियो में आपको जितने भी बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो येलो लाइट ऑन होता है कब होता है और कैसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जो उसका चार्जिंग लेवल है वो डिस्चार्ज लेवल से कम हो रहा है, मतलब डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है। तो जब भी आप इंजन को ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये जो येलो वाला इंडिकेटर है और रेड वाला इंडिकेटर है वो दोनों एक साथ ही ऑन हो जाएगा करीब एक या दो सेकेंड के लिए, मतलब जब आप सेल्फ स्टार्ट करेंगे बाइक को। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपने देखा यहाँ जो दो इंडिकेटर था वो ऑन ही रहा करीब एक सेकंड के लिए। तो ये इसी दोनों इंडिकेटर के बारे में मैं बता रहा था। तो अभी तो बिल्कुल ही डिस्चार्ज है बैटरी, और अगर हल्का सा डिस्चार्ज रहेगा तो ये दोनों आपका जब आप सेल्फ स्टार्ट करेंगे बाइक को तो ये दोनों इंडिकेटर एक साथ ही ऑन होगा एक या दो सेकंड के लिए। और एक दिन क्या हुआ कि बाइक चलते चलते अचानक से ही यहाँ जो येलो वाला इंडिकेटर है वो अचानक से ही 15 या 20 सेकंड के लिए ब्लिंक करने लगा, और रात का टाइम था तो मैं लाइट वाइट सारा ऑन किया हुआ था बाइक का, तो वो लाइट भी ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है बैटरी और लाइट बिल्कुल लो हो रहा है, तो मैं डर गया। फिर अचानक से 20 सेकंड के बाद येलो लाइट ब्लिंक होना बंद हो गया, फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर से डिस्चार्ज होने लगा और फिर से येलो लाइट 10 या 15 सेकंड के लिए 15 या 20 सेकंड के लिए ये ऑन ब्लिंक होने लगा। तो मैं सोचा हो सकता है बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गया मेरा। तो मैं घर आके जब इसको चार्ज करने के लिए निकाला बैटरी को तो देखा उसका जो निगेटिव वाला जो पॉइंट होता है बैटरी का वो लूज़ था, जिसके वजह से क्या हो रहा था कि बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था। और जब मैंने बैटरी को चार्ज किया तो ये सारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो ये बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से कि येलो लाइट ऑन होता था,
और भी इसके रीज़न होते हैं, जैसे रेक्टिफायर में अगर प्रॉब्लम हुई तो ये ऑन हो जाएगा, या फिर अगर कहीं सर्किट में आपका वायर लूज है, इंजन से रिलेटेड जितने भी सर्किट हैं उसमें से किसी का भी अगर वायर लूज है या फिर कोई ग्राउंड वायर आपका कट गया हो, तो उस वजह से भी ये येलो लाइट, येलो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। बाकी अगर आगे कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तो फिलहाल मेरे साथ यही प्रॉब्लम आई थी तो मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं अपने बाइक के बैटरी को चार्ज करूँगा, उसके लिए हमें बाइक से बैटरी को निकालना होगा। और बहुत सारे भाई लोगों को पता नहीं होता कि बैटरी को कैसे रिमूव करें, कहाँ पे होता है, तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। वो जो बैटरी होगा आपका वो इस सीट के नीचे होता है, और उसके लिए इस सीट को रिमूव करना होगा आपको। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ रिमूव करके, और बैटरी को निकाल के भी दिखा देता हूँ कैसे आप रिमूव करेंगे बैटरी को। तो सबसे पहले हम इस वाले सीट को रिमूव करेंगे, उसके बाद इस वाले पैनल को, और फिर इसके नीचे आपको दो नट मिलेगा, उसको निकाल के और इस सीट को रिमूव करना है। ये जो आप देख रहे हैं ये एंटी थेफ्ट अलार्म मैंने बाइक में इंस्टॉल किया है, उसका वायर है, तो आप लोगों को ये वायर नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ऐसा खाली रहेगा यार। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब मैं बैटरी की बात करता हूँ। तो बैटरी आपको इस कवर के नीचे मिलेगा, और मैंने तो ये जो कवर लॉक होता है उसको मैंने खोल रखा है, तो ये यहाँ से लॉक होता है, तो मैंने इसको यहाँ पे लगाया, इस वजह से मैंने इसको लॉक नहीं किया। तो आप लोग उस लॉक को खोल के और इस कवर को हटा के, और ये दोनों जो माइनस प्लस वाला जो पॉइंट है वहाँ जो दो स्क्रू लगा है उसको स्क्रू ड्राइवर से खोल लेना है और बैटरी को रिमूव कर लेना है। जब भी बैटरी चार्ज करें तो किसी अच्छे से अच्छे चार्जर से चार्ज करना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक चार्जर के बारे में आपको बताया था जो 6-12 वोल्ट वाले व्हीकल के लिए बेस्ट चार्जर होता है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अभी जो मैं चार्ज करूँगा मैं उसी वाले चार्जर से इसको चार्ज करूँगा। ये जो बैटरी है ये बिल्कुल ही डिस्चार्ज है, जिसके वजह से यहाँ पे ये येलो लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है। ये जब चार्ज हो जाएगा एक अच्छे लेवल तक तो ये बंद हो जाएगा, और जो इसका चार्ज स्टेटस है वो ग्रीन वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। क्योंकि पिछले बार जो मैंने वीडियो बनाया था इस पर उसका जो बैटरी था वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं था, जिसके वजह से ये येलो लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक नहीं हुआ था।
एक्चुअली येलो लाइट ऑन होने के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, तो अभी जो मैंने बताया वो बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम था जो कि मैंने फेस किया था इस प्रॉब्लम को। तो अगर आगे और भी अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।